टूनी चिड़िया का पति मर चुका था और टूनी चिड़िया कबूतर के पास काम किया करती थी। टूनी चिड़िया के कुछ अंडे भी थे जिन्हें छोड़कर वो अक्सर कबूतर के पास काम के लिए आती थी। टूनी चिड़िया, तुम ये पैसे ले लो और अपने अंडों के पास चली जाओ, शाम होने वाली है, ऐसा न हो कि तुम्हारे अंडों को कोई पक्षी उठाकर ले जाए। अरे आज तो बहुत देर हो गई है, पता नहीं मेरे अंडे कैसे होंगे या और इतनी देर मुझे कैसे हो गई। जल्दी जल्दी चलती हूँ, बहुत अंधेरा हो गया है, मेरे अंडे कोई पक्षी अपने साथ न ले गया हो। टूनी चिड़िया का पति मर चुका था और टूनी चिड़िया को ही अपने अंडों की देखभाल करनी थी। टूनी चिड़िया सारा दिन काम काज के सिलसिले में अपने घोंसले से दूर होती थी। शुक्र है मेरे अंडे तो सही सलामत है, मैं तो डर गई थी, सारी रात तो मुझे सफर में ही लग गया, लेकिन मेरे अंडों को कुछ भी नहीं हुआ है। इसी जंगल में एक गिद्ध भी रहा करता था। गिद्ध को हमेशा से ही चिड़ियाओं के अंडे खाने का बड़ा ही शौक था। इस गिद्ध की नज़र इस बार टूनी चिड़िया के अंडों पर थी। आज अगर टूनी चिड़िया जैसे ही अपने अंडे छोड़कर जाएगी तो मैं उसके अंडों को खा जाऊंगा, इस बार मैं उसके अंडे किसी हाल में नहीं छोड़ूंगा। चिड़िया अपने अंडों को छोड़कर अपने काम के सिलसिले में वहां से उड़ जाती है और गिद्ध को भी तो इसी मौके का इंतजार था। मुझे भी तो इसी मौके का इंतजार था, आज मुझे वो मौका मिल ही गया, अब इन अंडों को नहीं छोड़ूंगा। गिद्ध अब अंडों को खाना शुरू कर देता है। चिड़िया अपने अंडों को छोड़कर काम की तलाश में चली गई थी। गिद्ध चिड़िया के सारे अंडों को खा जाता है और घोंसले को भी वहां से गिरा देता है। अब अंडे तो मैं खा गया, अब मुझे भी जाना चाहिए। चिड़िया के अंडों को खाने के बाद गिद्ध वहां से वापस अपने घर की तरफ लौट जाता है। आज फिर मुझे कितनी देर हो गई, आज भी सारा दिन मैं घर की तरफ नहीं गई, पता नहीं मेरे अंडे किस हाल में होंगे। टूनी चिड़िया जैसे ही अपने घोंसले के पास पहुंचती है तो अपने घोंसले को दरख्त से गिरा हुआ पाती है। पहले तो टूनी चिड़िया ये देखकर बहुत हैरान होती है और फिर रोने लगती है। मेरा घोंसला भी गिरा हुआ है और मेरे अंडे भी मौजूद नहीं है, कोई पक्षी मेरे अंडों को खा गया, मेरा घोंसला भी तोड़ दिया। चिड़िया अपने घोंसले और अपने अंडों का ये हाल देखकर रोने लगती है। चिड़िया को अब अंदाजा हो गया था कि उसके अंडे कोई पक्षी ले गया है। अरे मीनू चिड़िया, तुमने सुना टूनी चिड़िया के अंडों को कोई पक्षी खा गया है, बिचारी बड़ी रो रही थी, मुझे तो उस पे बड़ा तरस आया। हाँ रानी चिड़िया, मुझे भी ये खबर मिली थी कि चिड़िया के अंडे कोई खा गया या अपने साथ ले गया, मुझे भी बहुत बुरा लगा, उस बिचारी के साथ ये तो बहुत बुरा हुआ। टूनी चिड़िया, मुझे खबर मिली है कि तुम्हारे अंडों को कोई पक्षी ले गया, देखो अब जो भी हुआ बहुत बुरा हुआ, अब तुम हिम्मत मत हारो और कल से अपने काम पर दोबारा जाना शुरू कर दो, इस तरह रोने धोने से कुछ नहीं मिलने वाला, बस तुम हिम्मत मत हारो, ये जिसने भी किया है उसको इस अपने किए की सजा जरूर मिलेगी। चिड़िया टूनी चिड़िया को पता था कि अब रोने धोने से कुछ नहीं मिलने वाला, इसलिए वो अगले दिन से दोबारा अपने काम पे जाना शुरू कर देती है। बास पक्षियों का बादशाह था और जैसे ही बास को ये खबर मिलती है कि टूनी चिड़िया के अंडे कोई पक्षी खा गया तो वो टूनी चिड़िया के पास उसका हाल पूछने के लिए चला आता है। टूनी चिड़िया, मुझे तुम्हारे बारे में पता चला, तुम्हारे साथ जो कुछ हुआ वो बहुत बुरा हुआ, लेकिन तुम टेंशन मत लो, मैं इसका बदला ज़रूर लूँगा, तुम्हें इंसाफ ज़रूर मिलेगा टूनी चिड़िया, याद रखना। बास अपने छोटे बेटे को अपने पास बुलाता है और फिर उससे कहता है,
जाओ बेटा, ये खबर पूरी जंगल में फैला दो कि टूरी चिड़िया के अंडे खाने वाले पक्षी का नाम देने वाले को मुंह मांगा इनाम मिलेगा। वो जो भी मांगेगा उसको मिलेगा। बस हमें उस पक्षी का पता बता दे या नाम बता दे कि कौन टूरी चिड़िया के अंडे खा गया। जाओ ये खबर सारे जंगल में फैला दो। सुनो सुनो सुनो, टूरी चिड़िया के अंडे खाने वाले पक्षी का नाम बताने वाले को मुंह मांगा इनाम मिलेगा। सुनो सुनो सुनो, टूरी चिड़िया के अंडे खाने वाले पक्षी का नाम बताने वाले को मुंह मांगा इनाम मिलेगा। बास का बेटा ये खबर पूरी जंगल में फैला देता है कि टूरी चिड़िया के अंडे खाने वाले पक्षी का नाम जो बताएगा उसको बास की तरफ से मुंह मांगा इनाम मिलेगा। और ये खबर कालू कौवा भी सुन लेता है। अरे टूरी चिड़िया के अंडे, टूरी चिड़िया के अंडे तो गिद्ध खा गया है। मैंने खुद देखा था गिद्ध को टूरी चिड़िया के अंडे खाते हुए। और ये खबर मैं बास को ज़रूर बताऊंगा और मुंह मांगा इनाम लूंगा। बताओ कौवे, तुम्हें टूरी चिड़िया के अंडों के बारे में क्या मालूम है? कौवा बास के पास आता है और सारा किस्सा सुना देता है। बादशाह सलामत उस दिन मैं किसी काम के सिलसिले में वहाँ से गुजर रहा था और मैंने गिद्ध को उन अंडों के पास देखा था। मुझे नहीं पता था कि वो अंडे टूरी चिड़िया के हैं। मुझे लगा वो अंडे गिद्ध के होंगे। बाद में पता चला कि अंडे तो टूरी चिड़िया के थे बादशाह सलामत। इसका मतलब अंडा चोर गिद्ध निकला। परिंदों के अंडे खाने वाला गिद्ध है जो सारे परिंदों के अंडे खा रहा है। ये लो, तुम इनाम के तौर पर अपने पास ये पैसे रख लो। और तुमने बहुत अच्छा काम किया जो मुझे बता दिया। अब देखो मैं गिद्ध के साथ क्या करता हूँ। आज के बाद वो किसी भी पक्षी के अंडे खाने के काबिल नहीं रहेगा, देख लेना। टूरी चिड़िया, दिल छोटा मत करो, तुम्हारे अंडे खाने वाले पक्षी का पता ज़रूर चल जाएगा, क्योंकि बास बहुत कोशिश कर रहा है कि तुम्हें इंसाफ दिला सके, और तुम्हें इंसाफ ज़रूर मिलेगा। हाँ, मुझे भी उम्मीद है कि मुझे इंसाफ ज़रूर मिलेगा, क्योंकि बास ने बोला है कि वो मेरे अंडे खाने वाले पक्षी को नहीं छोड़ेगा। सुना है बास मेरे पीछे लगा हुआ है कि मुझे पकड़े और मुझे सजा दे, लेकिन उसको क्या पता कि मैं इतना बेवकूफ़ तो नहीं कि उसके हाथ आऊँ। आज नहीं तो कल मुझे पकड़ ही लेगा। बेहतर यही है कि मैं यहाँ से भाग जाऊँ और फिर देख लेता हूँ कि बास मुझे कैसे पकड़ता है। मैं आज यहाँ से भाग जाता हूँ। गिद्ध सुबह होते ही जंगल को छोड़ के भागने की तैयारी करता है और सुबह होते ही उड़ जाता है। गिद्ध उड़ते उड़ते जंगल से काफ़ी दूर पहुंच गया था, लेकिन बास का बेटा भी वहां पर पहुंच जाता है और गिद्ध को दबोच लेता है। गिद्ध अब हिल भी नहीं सकता था। बास का बेटा गिद्ध को पकड़ के बास के सामने पेश करता है। अच्छा, तो तुम्हें लगा कि तुम चिड़िया के अंडे खाकर बच जाओगे। गिद्ध, तुम कितने जालिम हो। हाँ, कितने जालिम, तुमने टूरी चिड़िया के अंडे खाए हैं और अब तुम्हें सजा भी टूरी चिड़िया ही देगी। मैं तुम्हें टूरी चिड़िया के सामने पेश कर रहा हूँ और वो तुम्हें सख्त से सख्त सजा देगी, देख लेना। बास गिद्ध को पकड़ के टूरी चिड़िया के सामने पेश करता है। टूरी चिड़िया, ये तुम्हारे अंडों का चोर है, इसी ने तुम्हारे अंडे खाए हैं और अब तुम इसे जो चाहो सजा दे सकती हो। क्या मेरे अंडे कितने खाए थे? मुझे तो आज पता चला। ये कितना जालिम है ये गिद्ध, इसने मेरे अंडे खाए। गिद्ध बहुत डरा हुआ था और गिद्ध अपनी गलती का भी एहसास हो गया था। गिद्ध को तो लगा कि अगर अब बास चाहे तो इसकी जान भी ले सकता है। अब इसकी जान टूरी चिड़िया के हाथ में है। अगर टूरी चिड़िया चाहे तो गिद्ध बच सकता है।
टूड़ी चिड़िया मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, आज के बाद ऐसी गलती नहीं होगी, इस बार मुझे माफ कर दो। अरे गिद्ध, तुम्हें सजा देकर भी मुझे क्या मिलेगा, मेरे अंडे कौन से वापस आएंगे अगर मैं तुम्हें सजा दूंगी तो। लेकिन हाँ, आज के बाद किसी भी चिड़िया के अंडे मत खाना, हमारे अंडों में हमारे बच्चे होते हैं, और तुम्हें मार कर भी मुझे कुछ नहीं मिलेगा, बचाओ, मैं तुम्हें माफ़ करती हूँ, मैं तुम्हें माफ़ करती हूँ गिद्ध, जाओ यहाँ से, बस जाओ। चिड़िया ने तो गिद्ध को माफ़ कर दिया था और गिद्ध अब खुशी खुशी अपने घर की तरफ लौट रहा था, लेकिन बास जानता था कि गिद्ध सिधरने वालों में से बिल्कुल ही नहीं, ये और भी चिड़िया के अंडे खाएगा, इसलिए बास गिद्ध को सजा देने वाला था। सबर तो कर लो गिद्ध, इतनी भी क्या जलती है, मैंने भी तो तुम्हें एक इनाम देना है जो तुमने इतना बड़ा काम किया है। देखो अब मैं तुम्हें क्या इनाम देता हूँ, तुम्हें बहुत मज़ा आएगा उसमें। बास के हुक्म के मुताबिक गिद्ध को तहखाने में बंद किया जाता है। बास को पता था कि गिद्ध वैसे भी सुधरने वालों में से नहीं है, ये किसी और चिड़िया के अंडे भी ज़रूर खाएगा, बेहतर यही है कि इसको हमेशा के लिए तहखाने में बंद किया जाए। अच्छा गिद्ध, तो तुम्हें ये मेरा इनाम कैसा लगा, आज के बाद अपनी बची कुची जिंदगी इस तहखाने में गुजारना तुम। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि बुरे काम का बुरा ही अंजाम होता है, चाहे हम जितने भी तेज और अकलमंद हो, लेकिन हम फिर भी बच नहीं सकते।